तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं हैज हैव हैड। देखिए हैज हैव हैड और हैविंग, इनको तो आपने कई बार पढ़ लिया है, लेकिन क्या आपने कभी ये पढ़ा है हैज हैड टू, हैव हैड टू, या फिर हैड हैड, हैज टू बी, हैव टू बी। इस तरह के जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनको हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं हैड टू हैव, यानी कि हैड टू हैव, जिसका मतलब होता है पास होना ही चाहिए था, मतलब किसी के पास कोई चीज़ होनी चाहिए थी। देखिए वैसे यदि हम हैड टू को देखें तो इसका जो मीनिंग है वो कुछ ऐसा निकलता है कि किसी को कोई काम करना था पास्ट में, या फिर किसी को कोई काम करना पड़ा पास्ट में, है ना, वहाँ पर आप हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इसके बाद हम हैव का यूज करते हैं ना, तो ये हमें पजेशन को दिखाने लगता है, कौन सा पजेशन, पास्ट वाला। और हम ऐसा बोलते हैं यार किसी के पास कुछ होना ही चाहिए था, यानी कि होना जरूरी था पास्ट में। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड टू और फिर हैव लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल देखिए ही हैड टू हैव अ गुड जॉब, इसका मतलब है कि उसके पास एक अच्छी जॉब, एक अच्छी नौकरी होनी ही चाहिए थी, है ना, तो उसके पास एक अच्छी नौकरी होनी ही चाहिए थी। यू हैड टू हैव सम मनी, इसका मतलब है कि आपके पास कुछ पैसे होने ही चाहिए थे, ठीक है। एक और है दे हैड टू हैव इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके पास होने चाहिए थे। वैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर चाहिए था वाला सेंस आ रहा है, हमें इसमें शुड हैव का इस्तेमाल करना चाहिए था। तो देखिए जो शुड हैव है ना वो आपका वर्ब के साथ यूज होगा, यहाँ पर देखिए अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं पर भी यूज नहीं की है। शुड हैव का मतलब है कि किसी को कोई काम करना चाहिए था पास्ट में, लेकिन यहाँ पर देखिए हम काम की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी के पास कोई वस्तु होनी चाहिए थी, है ना। तो हैड टू हैव किसी के पास कुछ होना ही चाहिए था, ठीक है। देखिए हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है और इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है, इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स और बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका, ए टू जेड वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसका जो प्राइस है ना वो सिर्फ 299 है ओनली, कितना 299, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ई बुक्स चाहिए, तो देखिए ईबुक्स का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैव टू हैव। हैव टू के बाद यदि हम हैव लगाते हैं तो इसका मतलब होता है किसी के पास कोई वस्तु है जो कि होनी ही चाहिए, प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं कि भाई प्रेजेंट में या फिर नियर फ्यूचर में आपके पास कोई वस्तु होनी ही चाहिए, या फिर आप दूसरा सेंस बोल सकते हैं कि आपके पास वो जो वस्तु है ना वो जरूर होनी चाहिए, है ना। कई बार बोलते हैं ना भाई तुम्हारे पास ये तो जरूर होना चाहिए, अगर तुम्हारे पास ये हो तो आ जाना वरना मत आना, मतलब किसी के पास कुछ जरूर होना चाहिए। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, उसके बाद आपको टू लगाना है। अब देखिए यहां पर मैंने ऊपर क्यों नहीं लिखा हैज, ये हैव टू हैव और हैज टू हैव दोनों बन सकता है। अब यहां पर हैज जब आएगा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यानी कि ही सी इट आपका सब्जेक्ट होगा तो हैज आ जाएगा, क्योंकि सबके साथ हम हैव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जो भी कुछ है तो उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपको टू लगाना है और ये वाला जो हैव है ये चेंज नहीं होगा, कभी आप इसको भी चेंज करने लगो, यहाँ पर आ गया ही, यहाँ पर भी हैज कर दिया, यहाँ पर भी हैज कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अच्छा आपने एक चीज़ तो देखी होगी ना, जब भी हैज टू और हैव टू आएगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये हैव है ना ये फर्स्ट फॉर्म ही है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए तुम्हारे पास किताब होनी ही चाहिए, तुम्हारे पास किताब होनी ही चाहिए, तो बोलोगे यू हैव टू हैव अ बुक, यू हैव टू हैव अ बुक, यानी कि आपके पास जो है किताब होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है उसके पास ये आईडी होना जरूरी है, यानी कि उसके पास ये आईडी होनी ही चाहिए, या फिर कोई चीज होना जरूरी है, तो हम बोल सकते हैं ही हैज टू हैव दिस आईडी। यहां पर देखिए ये जो यू है यहाँ पर हमने हैव का इस्तेमाल किया है, क्योंकि है यो यू है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर नहीं आता है, लेकिन जो ही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है, इसलिए हमने इसके साथ हैज का इस्तेमाल किया है। अब जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मेरे पास फोन होना ही चाहिए, तो बोलेंगे आई हैव टू हैव अ फोन,
आई हैव टू हैव ए फोन, मेरे पास क्या होना चाहिए, एक फोन होना ही चाहिए। कई बार आप बोलते हैं ना भाई मैं अब कॉलेज में एडमिशन लेने वाला हूँ, मेरे पास तो एक फोन होना ही चाहिए। आप अपने घर वालों को बोलते हैं कई बार कि पापा जी मुझे अब मैं तब कॉलेज में एडमिशन लूंगा, मेरे पास तो एक फोन होना ही चाहिए, सब बच्चों के पास होता है। तो आई हैव टू हैव अ फोन, ठीक है, मेरे पास एक फोन होना ही चाहिए। तो इस तरह से आप हैव टू हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के पास कुछ होना जरूरी है या फिर आपके हिसाब से किसी के पास कुछ होना चाहिए, ठीक है। एक और देखिए, एक है हैड बीन एबल टू। हैड बीन एबल टू का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो है ना वो किसी काम को कर पाया था पास्ट में, पास्ट में किसी काम को कर पाया था या किसी चीज को कर पाया था, वहां पर आपको हैड बीन एबल टू का यूज करना है। एबल टू का मतलब, एबल टू का मतलब होता है कि कोई किसी काम को करने के योग्य है या नहीं है, ये तो आपने पढ़ा होगा अलग से, हैड बीन भी आपने अलग से पढ़ा होगा, लेकिन जब दोनों को एक साथ करते हैं ना तो ये पास्ट के सेंस को कुछ इस तरह से बताएगा कि कोई किसी काम को पास्ट में कर पाया था या नहीं कर पाया था। देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। वह अकेला चल पाया था तो बोलेंगे ही हैड बीन एबल टू वॉक अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेला, तो ही हैड बीन एबल टू वॉक अलोन, वह अकेला चल पाया था, तुम वहां पहुंच पाए थे। यू हैड बीन एबल टू रीच देयर, यू हैड बीन एबल टू रीच देयर, तुम वहां पहुंच पाए थे। तो इस तरह से हैड बीन एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी चीज को कर पाया था, किसी काम को कर पाया था पास्ट में, ठीक है। अब देखिए यहां पर अभी तो मैंने लिख दिया हैड बीन एबल टू, लेकिन यहां पर हैज बीन एबल टू और हैव बीन एबल टू का भी यूज हम कर सकते हैं कि कोई किसी काम को कर पाया है प्रेजेंट में। देखिए हैड का इस्तेमाल तो हम पास्ट में करते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रेजेंट की तो हम हैज और हैव इन दोनों का यूज करके इनको आगे लिख सकते हैं, जैसे हैज बीन एबल टू, हैड बीन एबल टू। अब जैसे मैं बोलने लगूं वह अकेला चल पाया है, अब देखिए मैंने प्रेजेंट का बना दिया तो मैं बोलूंगा ही हैज बीन एबल टू वॉक अलोन, अब मतलब प्रेजेंट के बारे में सेंस देगा कि कोई किसी काम को कर पाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अब हम देखेंगे हैज हैव के बाद यदि हम टू लगाते हैं तो क्या सेंस निकलता है। वैसे तो हमने इसको पढ़ रखा है, लेकिन एक बार आपके रिविजन भी हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाएगा। देखिए हैज और हैव के बाद यदि हम टू लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि किसी को कोई काम करना है, जैसे आप बोलते हैं ना मुझे जाना है, उसे खाना है, हमें पढ़ना है। उससे पहले हम जो कुछ सेंटेंसेस देखें तो हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज हैव, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए उसे देखना है, मतलब उसे देखना है तो बोलेंगे ही हैज टू वॉच, ही हैज टू वॉच। उसे पढ़ना है, ही हैज टू स्टडी। हमें खाना है, वी हैव टू ईट। तो हमें थर्ड पर्सन के साथ हैज और उसके अलावा जो भी कुछ है सबके साथ हैव का इस्तेमाल करना है। बाकी टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए वॉच जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद जो ईट है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो टू के बाद जब भी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ज्यादातर ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हैज हैव के बाद टू का इस्तेमाल कर दिया। नेक्स्ट हैज बीन एबल टू, हैज बीन एबल टू जिसका मतलब है कि किसी चीज को कर पाया है, कोई किसी चीज को कर पाया है। देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। वह अंग्रेजी बोल पाया है तो बोलेंगे ही हैज बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही हैज बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश। तुम अकेले घर जा पाए हो तो बोलेंगे यू हैव बीन एबल टू गो होम अलोन, यू हैव बीन एबल टू गो होम अलोन। तुम क्या कर पाए हो, अकेले घर जा पाए हो। तो इस तरह से हैज बीन एबल टू, हैव बीन एबल टू, मैंने आपको पहले बता दिया था कि कोई किसी काम को प्रेजेंट में कर पाया है तो हैज हैव के साथ हम बीन एबल टू का यूज कर सकते हैं, और किसी काम को कर पाया था तो हमें हैड के साथ बीन एबल टू का यूज करना है। नेक्स्ट हैड टू, हैड टू का मतलब होता है कि कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना पड़ता था। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मुझे जाना पड़ा तो बोलेंगे आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। उसे खेलना पड़ता था तो बोलेंगे ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले। उसे खेलना पड़ता था, ही हैड टू प्ले। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। तो इस तरह से हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, करना पड़ा या करना पड़ता था, ठीक है। नेक्स्ट हैज हैव, यदि हम इसको सिंपल यूज करेंगे तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए इसका जो पहचानने का जो सेंस है ना वो कुछ इस तरह से होगा, आपके जो सेंटेंस होंगे ना हिंदी के उनमें आपको मिलेगा चुका है, लिया है,
ली है, दी है, दिया है, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। देखिए जैसे कि वह गया है तो बोलेंगे ही हैज गॉन, ही हैज गॉन। उसने एक किताब खरीदी है तो बोलेंगे ही हैज बॉट ए बुक, ही हैज बॉट ए बुक। उसने पैसे दे दिए हैं तो बोलेंगे ही हैज गिवन मनी, ही हैज गिवन मनी। उसने क्या दे दिए हैं? पैसे दे दिए हैं। तो इस तरह से हैज हैव के साथ आप किसका यूज कर सकते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। हैज हैव के साथ बीन का इस्तेमाल भी करते हैं, ये पैसिव की तरफ जाता है। इसका मतलब होता है कि या जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है। देखिए इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैज हैव और उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इंग्लिश को पढ़ाया गया है तो बोलेंगे इंग्लिश हैज बीन टॉट, इंग्लिश हैज बीन टॉट। उसको देखा गया है तो बोलेंगे ही हैज बीन सीन, ही हैज बीन सीन। इस तरह से आप हैज हैव के साथ बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है। अब देखिए ये जो हैज हैव के साथ बीन हमने यूज किया ना, ये तो प्रेजेंट के लिए था। यदि इसी को हम पास्ट में यूज करें तो हम हैड बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर था किया जा चुका है या हो गया है, यहां पर होगा किया जा चुका था या फिर हो चुका था पास्ट में। ठीक है, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सिर्फ आपको हैज हैव के स्थान पर हैड का इस्तेमाल कर देना है। काम को किया नहीं गया था तो बोलेंगे द वर्क हैड नॉट बीन डन, द वर्क हैड नॉट बीन डन। मुझे घर भेजा गया था, आई हैड बीन सेंट होम, आई हैड बीन सेंट होम। मुझे कहां पर भेजा गया था? घर भेजा गया था। ठीक है, तो इस तरह से हैड बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैड, जिसका मतलब होता है चुका था, गया था, ली थी, दी थी। इस तरह के वर्ड्स आपको अपने सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए वह आ चुका था तो बोलेंगे ही हैड कम, ही हैड कम। मैं जा चुका था तो बोलेंगे आई हैड गॉन। उसने खा लिया था तो बोलेंगे सी हैड ईटन। तो इस तरह से हैज हैव हैड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए कुछ मिक्स्ड एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि पापा के पास एक कार होनी ही चाहिए, कोई चीज होनी ही चाहिए, किसका यूज करते हैं? हैज के साथ टू हैव का या फिर हैव के साथ टू हैव का। तो हमें पापा है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसलिए हैज का इस्तेमाल करेंगे। कैसे बोलेंगे? पापा हैज टू हैव अ कार, पापा हैज टू हैव अ कार। वो ये सब काम कर पाए थे तो बोलेंगे दे हैड बीन एबल टू डू दीज वर्क्स, दे हैड बीन एबल टू डू दीज वर्क्स। मैं आज अच्छा काम कर पाया हूं तो बोलेंगे आई हैव बीन एबल टू डू अ गुड वर्क टूडे, आई हैव बीन एबल टू डू अ गुड वर्क टूडे। तो इस तरह से मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ये मिक्स्ड कंडीशनल नहीं है, गलती से निकल गया, मिक्स्ड एग्जांपल्स हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।